कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल वाटर अफर्मेशन की क्यूट सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम मेंशन किया नहीं है इसलिए इनका नाम मैं ले नहीं सकती हूँ, मतलब कहीं लिखा नहीं है कि करना भी है या नहीं करना है। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको अपना नाम मेंशन करना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट को पिन कर दूंगी। आई लव यू। ओके इन्होंने लिखा है, मेरे पड़ोस वाली भाभी को अभी अभी बेटा हुआ है और मैं बहुत ही खुश थी। मैंने उनको पूरी प्रेगनेंसी देखा है और जब उनका पेट भी बाहर नहीं आया था तब भी मैं उनको देखती थी और हमेशा ही ब्लेस करती थी। उनको बेटा हुआ और 20 दिन के बाद अचानक ही उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। ये लोग डॉक्टर के पास लेके गए, वो रोता ही रहता था क्योंकि मुझे उस बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव था, तो मैं हमेशा ही मिलने के लिए चली जाती थी और बस दूर से ही उसको देखती रहती थी। इस बार मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि वो जब से मैं वहां गई थी तड़प तड़प करके रो रहा था और मुझे उसे देख करके बहुत दुख हो रहा था। वो लोग उसको पानी भी नहीं दे सकते थे और जो डॉक्टर ने कुछ सिरप दिए हुए थे वही वो उसे दे रहे थे और उसको थोड़ा सा ऊपर का दूध भी दे रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि इसमें एफर्मेशन डाल करके दीजिए। उन्हें समझ नहीं आया तो मैंने कहा कि क्या मैं थोड़ी सी दवाई पिलाने की कोशिश कर सकती हूँ या फिर ये स्पून में मैं दवाई भर सकती हूँ। उन्होंने मुझे स्पून में दवाई डालने के लिए कहा और दूसरी दवाई उन्होंने कहा ड्रॉपर से ट्राई करते हैं क्योंकि स्पून से बार बार दवाई गिर जा रही थी और उस वक्त ड्रॉपर जमीन पर गिर गया था। तो मैं फटाफट गई और ड्रॉपर को मैंने धोया, साफ करके पोछा, उसके बाद मैंने अफर्मेशन दे करके ड्रॉपर में दवाई को भरा कि बेटू बिल्कुल ठीक है। अभी तक उसका नाम भी नहीं रखा गया है और मैंने बस यही अफर्मेशन दी और मैं उसे हंसता हुआ देख रही हूँ। वो खिलखिला करके मेरी तरफ देख रहा है। मैंने ऐसा विजुअलाइज किया और ड्रॉपर के अंदर दवाई को भर दिया और फिर वो लोग उसको कुछ वाटर जैसा था वो भी दे रहे थे। तो मैंने कहा क्या मैं इसे भर दूं, तो उन्होंने कहा हाँ आप इसे भर सकते हो। तो मैंने ड्रॉपर के अंदर वो वाटर जैसा ही लिक्विड था, मैंने बिल्कुल वाटर एफर्मेशन की तरह उसको भी अफर्म किया और मैंने बस वही सेम अफर्मेशन डाली कि बेटू बिल्कुल ठीक है और विजुअलाइज किया कि वो हंस करके मेरी तरफ देख रहा है। ये सारी दवाई उन्होंने दी, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटे के अंदर बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और वो सच में बिल्कुल वैसे ही हंस करके मेरी तरफ देख रहा था। वो अपनी मुट्ठी को अपने मुंह में डाल रहा था और सारा उसका थूक उसके हाथ में लग रहा था। मुझे ये देख करके इतनी खुशी हो रही थी कि मैं उसको देख देख करके ही रोने लग गई। सच में ये अफर्मेशन बहुत अच्छे से काम करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वो बेटू को ठीक करने के लिए यूनिवर्स, थैंक यू। क्यूट है ना सक्सेस स्टोरी। तो वो थूक नहीं था, वो बच्चे की लार होती है, वो ऐसे मुट्ठी डाल डाल कैसे करते हैं तो वो लग रही थी उसके मुंह में। ओके तो वो जो वाटर जैसा होगा वो ग्राइप वाटर होगा आई एम श्योर, वो दिया होगा उन्होंने उनको अफर्म करके, मतलब वो दे रहे होंगे बच्चे को। तो जब पेट में ऐसे कुछ दिक्कत होती है तो ग्राइप वाटर छोटे बच्चों को दिया जाता है, तो वो इन्होंने पूरा ही अफर्म किया। एंड कितनी ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। हालांकि मुझे ये शुरू शुरू में पढ़ के ऐसा लगा इतने छोटे बच्चे को, 20 दिन का जो बच्चा है छोटा सा, उसको स्पून से तो खैर दवाई नहीं ही दे सकते हैं, तो ड्रॉपर से दवाई इन्होंने दी है और इन्होंने भरने का उसको जिम्मा खुद ले लिया था क्योंकि अफर्मेशन जानते थे और उन लोगों को बताया तो उनको समझ में नहीं आया। फील किया, विजुअलाइज किया, अफर्म किया और मैजिक हुआ छोटे से बच्चे के साथ। थोड़ी ही टाइम के बाद में वो बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। देखिए वाटर अफर्मेशन मेडिसिन को आप अफर्म करके लेते हैं, ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है और ये एक सक्सेस स्टोरी में नहीं आया है, ये पता नहीं कितनी सक्सेस स्टोरीज में आया है। तो अगर आपको भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आप इस तरीके से वाटर को अफर्म करके, अपनी किसी भी मेडिसिन को अफर्म करके, विजुअलाइज करके, फील करते हुए पी सकते हैं, आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अपना मैंने की ख्याल अपने आप से कितने ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच डियर, आपने उस बच्चे के लिए इतना किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू।